बीती रात मिले शवों की शिनाख्त हो गई है। ये दोनों शव कलाकार हेमा उपाध्याय और एक वकील के हैं। पुलिस को ये शव नाले में एक कार्टून में मिले थे, शव पॉलिथीन में थे, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। हेमा उपाध्याय ने 2013 में अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी। जिस वकील का शव मिला है वो इस केस में हेमा उपाध्याय का वकील है। नाले से दोनों शव बरामद हुए थे। हेमा उपाध्याय ने कुछ वक्त पहले अपने पति के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। हेमा उपाध्याय एक आर्टिस्ट थी और मुंबई में रहती थी। फोटोग्राफी और स्कल्पचर इस कार्य से जुड़ी हुई थी। वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां से हेमा उपाध्याय और उनके वकील का शव बरामद किया गया था। उनके वकील का नाम हर्ष था। तीन लोगों से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस इस मामले में। किसने हेमा का कत्ल किया, क्या मकसद था, किस उद्देश्य के साथ हेमा का मर्डर किया गया और कौन इसमें शामिल हो सकता है। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। हम आपको हेमा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहा है। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है आपको कत्ल से मुतल्लिक और ये तीन लोग कौन है जिन्हें हिरासत में लिया गया है? जी, कल देर शाम को दो अज्ञात लाशें मुंबई के कांदिवली इलाके में मिली थी, जिसमें एक महिला की उम्र कल देर रात बताई गई थी 35 से 40 साल और एक शख्स की लाश मिली थी। आज उसकी पहचान मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर की है। इसमें बताया जा रहा है कि हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश की ये लाश है। हेमा उपाध्याय मशहूर आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय की पत्नी है। अब इस पूरे मामले में तीन लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि इन दोनों चिंतन उपाध्याय और हेमा का डिवोर्स फाइल हुआ था साल 2008 में। दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए बहना कोर्ट में इन्होंने डिवोर्स फाइल किया था और साल 2013 में चूहू इलाके में स्थित जो हेमा और चिंतन का घर था वहां पर चिंतन ने एक फोटो बनाई थी जो काफी अश्लील थी, उसको लेकर हेमा ने काफी आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ कंप्लेन भी की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों अलग रह रहे थे। अब किस वजह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आखिर वो कातिल कौन है जिसने हेमा और उनके जो वकील है हरीश उनको मौत के घाट उतारा, ये मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आरोपी को ढूंढ निकाले। दोनों की लाश कल एक बंद बोरी में सिली हुई अवस्था में मिली थी, एक नाले में मिली थी। मुंबई पुलिस ने दोनों अज्ञात लाशों को अपने कब्जे में लिया। उसकी जब तफ्तीश की तो पता चला कि मशहूर आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय की पत्नी हेमा की ये लाश है। जी।